मित्रों, क्या आपको पता है कि हिंदू शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई थी? वैसे तो दोस्तों, सनातन धर्म के वेदों और पुराणों में ब्रह्मांड की उत्पत्ति का अलग अलग उल्लेख मिलता है। इनमें बहुत सारे ऐसे फैक्ट मौजूद हैं जो मॉडर्न साइंस के द्वारा बताए गए आंकड़ों से पूरी तरह से मैच करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम अच्छी तरह से जानेंगे कि सनातन धर्म के अनुसार ब्रह्मांड का जन्म कैसे हुआ था और कैसे वैदिक आंकड़े मॉडर्न साइंस से मैच करते हैं। तो चलिए देखते हैं। मित्रों, हिंदू धर्म ग्रंथों में ब्रह्मांड को एक सिंगल एंटिटी के रूप में नहीं दर्शाया गया, मतलब कि वेदों और पुराणों के अनुसार इन्फिनिटी नंबर ऑफ यूनिवर्स मौजूद है जो निरंतर बनते हैं और नष्ट होते रहते हैं। अगर हम इस बात को दूसरे शब्दों में समझें तो हम एक ऐसे यूनिवर्स में रहते हैं जो एक मल्टीवर्स में मौजूद है, और इस मल्टीवर्स में अनगिनत ब्रह्मांड मौजूद हैं जो ब्रह्मा के समय के अनुसार बनते हैं और नष्ट होते हैं। और दोस्तों, भगवान विष्णु इस मल्टीवर्स के अवतार हैं जो ब्रह्मांड के निर्माण से पहले इस मल्टीवर्स के कॉस्मिक ओशन में सो रहे थे। यहाँ पर भगवान श्री हरि का बिस्तर हजारों विशाल कोबरा सांपों से मिलकर बना हुआ है, और यहाँ से ही तीन मूलभूत शक्तियों से ब्रह्मांड का निर्माण होता है। और ये तीन प्रकार की ऊर्जाएँ ब्रह्मांड की शुरुआत करने के लिए सबसे ज़रूरी ऊर्जाएँ हैं। यहाँ पर पहली ऊर्जा है भगवान विष्णु, जिनको वेदों में अनुरक्षक यानी मेंटेनर कहा गया है, जो ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के लिए सबसे ज़रूरी ऊर्जा है। और दोस्तों, यहाँ पर दूसरी ऊर्जा है भगवान ब्रह्मा, जिनको द क्रिएटर कहा गया है, जो ब्रह्मांड को स्पेस एंड टाइम में आकार देते हैं। और यहाँ तीसरी ऊर्जा है भगवान शिव, जो ब्रह्मांड की दोबारा से एक नई शुरुआत करने के लिए ब्रह्मांड को नष्ट करते हैं। इसमें इनको द डिस्ट्रॉयर कहा गया है। दोस्तों, द डिस्ट्रॉयर यानी भगवान शिव की ऊर्जा को आप मॉडर्न साइंस के एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो एट बिग करंट से भी जोड़कर समझ सकते हैं। मॉडर्न साइंस के अनुसार बिग करंट एक ऐसा हाइपोथेटिकल सिनेरियो है जहां पर हमारे फैलते हुए ब्रह्मांड की गति रिवर्स हो जाती है और यह वापस से वहीं पर समा जाता है जहां से इसकी उत्पत्ति हुई थी। वेदों में भी इस घटना को साफ साफ भगवान शिव के रूप में दर्शाया गया है। पर दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि ब्रह्मांड की रचना भगवान विष्णु की क्रिया से हुई जब वे एक ऐसी अवस्था में थे जिसको मॉडर्न साइंस की भाषा में सिंगुलैरिटी कहा जाता है, यानी कि यह वही अवस्था थी जब भगवान विष्णु कॉस्मिक ओशन में सो रहे थे, जहां पर इनमें यह अनंत ब्रह्मांड समाया हुआ था। और इसी अवस्था से भगवान विष्णु की नाभि से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई, और श्री हरि की नाभि से निकला हुआ कमल का यह फूल ब्रह्मांड के निर्माण को दर्शाता है, और फूल में बैठे हुए ब्रह्मा ब्रह्मांड के निर्माता हैं। और दोस्तों, वेदों के अनुसार एक ब्रह्मांड को बनने और दूसरे ब्रह्मांड को समाप्त होने में लगने वाला समय भी भगवान विष्णु की एक सांस की अवधि है, यानी कि जब भगवान विष्णु सांस छोड़ते हैं तो इस अवधि में हजारों ब्रह्मांड बनते हैं। इस प्रक्रिया को आप बिग बैंग थ्योरी से भी जोड़कर समझ सकते हैं। और दोस्तों, इसी समय हजारों नए ब्रह्मा का जन्म होता है जो इन हजारों ब्रह्मांड को आकार देते हैं। पर जब भगवान विष्णु सांस लेते हैं तो ये सारी प्रक्रिया बिग क्रंच की तरह रिवर्स हो जाती है, यानी कि ये हजारों ब्रह्मांड और उनके ब्रह्मा वापस से भगवान विष्णु में समा जाते हैं। दोस्तों, वेदों और पुराणों में बताई गई ब्रह्मांड की इस उत्पत्ति में भगवान ब्रह्मा इसी ब्रह्मांड को रिप्रेजेंट करते हैं जिसमें हम रहते हैं, क्योंकि ब्रह्म ही धरती पर मौजूद सभी तरह की लाइफ फॉर्म्स को क्रिएट करते हैं जो हमारे फिजिकल वर्ल्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। और भगवान विष्णु इस शाश्वत मल्टीवर्स के अवतार हैं जो बिना किसी अंत और शुरुआत के इस कॉस्मिक ओशन में अपनी सांस छोड़ते और लेते रहते हैं, जिससे ब्रह्मांड पैदा और नष्ट होते रहते हैं। पर दोस्तों, हमारा वर्तमान यूनिवर्स ब्रह्मा के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, जो परमानेंट नहीं है, यानी कि ब्रह्मा केवल 100 साल ही जीते हैं, इसीलिए यह यूनिवर्स टेम्परेरी है। पर दोस्तों, ब्रह्मा के जीवन के ये 100 साल हमारे खरबों सालों के बराबर होते हैं। इस अवधि में एक सोलर सिस्टम की पूरी सभ्यता विकसित होकर नष्ट हो जाती है, जिसमें वह सारी सोलर एनर्जी का इस्तेमाल कर लेती है और वापस से वहीं पर समाप्त हो जाती है जहां से इसकी शुरुआत हुई थी। तो अब बात कर लेते हैं कि वेदों में इस समय का किस प्रकार से उल्लेख किया गया है। दोस्तों, वेदों में इस समय को युगों में डिवाइड किया गया है। यहां पर योग को हम एक बड़ा यूनिट ऑफ टाइम भी कह सकते हैं। विष्णु पुराण में युगों का एक अच्छे ढंग से उल्लेख मिलता है, जिसमें एक महायुद्ध को 4 युगों में विभाजित किया गया है, और इन 4 युगों का अनुपात 4:3:2:1 होता है। एक महायुग में कलयुग सबसे छोटा युग होता है,
जिसमें 4,32,016 सोलर ईयर्स होती हैं, तो द्वापर युग में 8,64,000 सोलर ईयर्स होते हैं, जो कलयुग के समय का ठीक दोगुना होता है। इसके बाद त्रेता युग में 12,96,000 सोलह ईयर्स होते हैं, और इनमें सबसे बड़ा सतयुग होता है, जिसमें 17,28,014 सोलर ईयर्स होते हैं। और दोस्तों, इन चारों युगों को मिलाकर एक महायुग बनता है, जिसमें 44.32 मिलियन ईयर्स होते हैं। एक महायुग के बाद समय की दूसरी सबसे बड़ी यूनिट मनवंतर होती है। दोस्तों, आज से लगभग 222 मिलियन साल पहले एक एस्टेरॉयड की वजह से पृथ्वी पर 95% लाइफ फॉर्म्स खत्म हो चुकी थी। वेदों में इस घटना की रिकवरी करने में लगे टाइम को संधि काल कहा गया है, जो 1.798 मिलियन ईयर्स तक चलती है। इस अवधि में पृथ्वी पर दोबारा से जीवन की शुरुआत होती है। दोस्तों, वेदों और पुराणों के अनुसार ब्रह्मा के एक दिन को कल्प कहते हैं, और एक कल्प 14 मनु अवतारों के बराबर होता है, और एक मनु का काल मनवंतर कहलाता है, और एक मनवंतर 71 चतुर्युग के बराबर होते हैं, यानी कि 71 बार। चार युगों का आना जाना, ब्रह्मा का एक कल्प समाप्त होने के बाद ब्रह्मांड का एक क्रम समाप्त हो जाता है, और इसके बाद ब्रह्मा की रात आती है, फिर सुबह होती है, और इसके बाद फिर एक नया कल्प शुरू होता है। इसी तरह दोस्तों, ब्रह्मा अपने 100 साल पूरे करके वापस भगवान विष्णु में समा जाते हैं, और मल्टीवर्स में अनेकों सभ्यताएं अपने सोलर सिस्टम की पूरी ऊर्जा का उपयोग करके खत्म हो जाती है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि वीडियो में बताई गई बातें आपको कुछ हद तक समझ में आई होगी। अगर वेदों और पुराणों में लिखा गया यह अमूल्य ज्ञान आपको समझ में आ गया होगा, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।